नमस्कार, मेरा नवीन, मैं बेंगलुरु से कर्नाटक से आया, लेकिन मैं विभिन्न इफिक्स में आया तो सिखाने के लिए। ये पूरा डेट था, कस्टमर ने डेटा इम्पोर्टेंट था, थोड़ा कहता भी कोशिश करके करो बोला, लेकिन मेरे पास एक 30 डेज पड़ा था इधर, ये मोबाइल रेडी नहीं हुआ था। कस्टमर पूरा मेरा डेटा इम्पोर्टेंट बोला था। उसके बाद मैं अभी सिखाने के लिए वीक फिक्स में आया गुजरात में। अभी सर ने ऐसा बोला, सर देखिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरे को, थोड़ा कोशिश करके मेरा डेड है मोबाइल वो ऑन करके दे दो सर, बोला मैं। उसके बाद सर देखिए देखेंगे बोल के लाइव में, क्लास लाइव में फुल ऑन करके दे दिया मेरे को, बहुत खुशी हो गया। थैंक्स टू वी फिक्स इट। सर मोबाइल कस्टमर का डेटा इम्पोर्टेंट है, ओके, इसलिए मैं लेके आया, थोड़ा कोशिश करके आपके सामने, आप लोगों के सामने में लाइव करके दिखाओ। अभी फिलहाल चालू है फोन या डेड है? डेड है सर, डेड है। कौन सा मॉडल है? नोट 10 प्रो मैक्स है। ओके, चलो। प्रो मैक्स फोन है जिसमें ऑलरेडी शायद किसी ने हीट वगैरह किया हुआ है, और हीट मार के ही सील निकाला हुआ है, हीट मार के सील को ओपन किया हुआ है। ओके, तो हम सबसे पहले कोई भी फोन हो बैटरी डिस्कनेक्ट पहले करना है। कोई भी चीज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है बैटरी डिस्कनेक्ट रखो। चालू बैटरी में कभी भी आप डिस्प्ले या कोई भी फिंगरप्रिंट कुछ भी इन मत करो, वरना लॉसेस आपको ही होगा। दूसरी एक चीज, यहाँ पे से एक कॉयल होती है, जैसे FL बताया ना मैंने, ऐसा कोई चीज गायब किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको शायद, दिख रहा है ये चीज, शायद इस टाइप की कोई कॉयल गायब है। और ये ऑडियो ऐसी है, WCD लिखा है ना, फिलहाल जो भी है वो बाद में हम देखेंगे, ऑडियो नहीं बजेगा। और यहाँ पे ये ऑडियो सेक्शन का भी पकड़ा निकाला है। इन शॉर्ट ये फोन की पूरी कहानी ये देख के लग रहा है कि ये फोन अपडेट होने के बाद ऑडियो और कैमरा बंद हो गया होगा। अब वो बंदे जो टेक्नीशियन को पता नहीं है कि ये CPU रिबोन से सॉल्व होता है, वो बंदे ने ऑडियो IC का पता निकाला, देखो यहाँ पे भी निकाला, ओके, और ये ऑडियो IC पे भी मेहनत कर लिया। ये टोटली रॉन्ग वर्क है, क्या है? तो अब अभी हम DC मशीन पे बूटिंग चेक करेंगे कि ये बूटिंग कितना जा रहा है। देखो 167 पे स्टॉक हो रहा है, दिख रहा है आपको 167 पे स्टॉक हो रहा है, ऑन ऑन नहीं हो रहा है। ओके, अब हम ये CPU जो है जो बिल्कुल सील्ड के अंदर है, आप सबको दिख रहा होगा ये सील के अंदर CPU है, ये CPU को हम रिमूव करके इसको कैसे रिकॉल करना है ये सारी चीजें आपको बताएंगे। We'll be right back.
ओके ये ऑन हो गया है, देख लो पूरे दिख रहा है आपको, ये ऑन हो गया। आप सेवन कर लो, ये चार्जिंग बिल्कुल लो है, इसको चार्ज होने देते थोड़ी देर, बिल्कुल लो है 2 मिनट इसको चार्ज होने देते हैं, और तब तक हम देखते हैं कि कितना नॉर्टन प्रो मैक्स का बोर्ड पड़ा है भाई।